ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर। आश्रम में शराब पीने को मना करना आश्रम के महंत को उस समय भारी पड़ गया जब शराबी युवक ने महंत पर चाकू से हमला करते हुए हाथ व कमर में ताबड़तोड़ वार कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल अवस्था में थाने में तहरीर सौंपने आए बुजुर्ग महंत को हिमपुर दीपा पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा दिया है, जहां पर पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम राजपुर परशु का है, जहां स्थिति त्यागी आश्रम में महंत शिव सत्यनारायणपुरी ने गांव के ही शराबी करण को आश्रम में शराब पीने से मना किया तो शराबी युवक ने महंत पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें महंत बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी बाबा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं त्यागी जी आश्रम गांव राजपुर पर सुश्री पंडित नाम जो नाखाड़ा का सन्यासी था। क्या नाम आपका? महंत शिव सत्यनारायणपुरी। अच्छा, ये आपके हाथ में और सिर में चोट है, क्या मामला है, कैसे लगी? ये मंदिर में शाम को 6 बजे दारू पी के जूते पहन के गुजरा, उसको रोकने पे उसने चक्कू से हमला कर दिया और फिर जो है चिमटा उखाड़ के चिमटा और सरिये से मेरे ऊपर हमला करा। अच्छा, कौन है आप जानते हैं उसे? गांव का ये गुंडा अंत की है, पहले भी उसने खूनी हत्या की हुई है, हत्या करी हुई। पुलिस को तहरीर दे दिया आपने? हाँ जी। पुलिस ने पकड़ा अभी तक उसे? नहीं, अभी नहीं पकड़ में आया, उसने अल्टीमेटम दिया है पेट्रोल डाल के आग लगाने का, हत्या करने का, अगर किसी को बताया तो। ठीक, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबर।